कैसे हो दोस्तों, मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी के लेक्चर चल रहे थे जिसके अंतर्गत हमने जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में हमने जानकारी एकत्रित कर ली थी, अर्थात पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य संरचना के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अब हमें पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल पाया जाता है उसमें होने वाले परिवर्तन के विषय में पढ़ना है। तो आज से हमारा टॉपिक शुरू होगा वायुमंडल। ये वायुमंडल में क्या क्या होता है तो हमें सब चीज देखना है। वायुमंडल कैसे बनता है, वायुमंडल में जलवायु कैसे होती है, मौसम कैसा होता है, वायुमंडल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इस वायुमंडल में हवा कैसे चलती है, अन्य प्राकृतिक घटनाएं कैसे होती हैं, इन सब के बारे में हमें इस वायुमंडल में पढ़ना है। कैसे बनता है, जलवायु कैसे होती है वायुमंडल में, मौसम, इन दोनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, हवा चलती है अर्थात पवन, तो पवन चलना और तरंग चलने में क्या अंतर है, यह हमेशा आपको याद रहना चाहिए, और अन्य प्राकृतिक घटनाएं कैसे होती है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कलकत्ता और ओडिशा के क्षेत्र में आया साइक्लोन किस प्रकार से बना, तो चक्रवात कैसे बनते हैं, प्रति चक्रवात दशाएं कैसे होती है वो हम देखेंगे। इसी के बाद में जो वर्षा होती है, तो अब चक्रवात तो रहे चल रहे हैं तो वर्षा होती है, तो वर्षा कैसे होती है वो हम देखेंगे। फिर जब हम ये सब देखेंगे तो फिर में भैया भारत में वर्षा कैसे होती है, भारत में जलवायु एक वर्ष के समय में कैसे बदलते रहते, मौसम कैसे बदलते रहता है, हम उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 5 से 10 लेक्चर आपको लेते हुए नजर आएगा। तो आपको थोड़े से कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे और जब कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे तो अपने आप आपको पूरी चीजें क्लियर होते चलेंगे। तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले वायुमंडल, नाम से क्लियर हो रहा है वायुमंडल। ये वायुमंडल एक समांगी मिश्रण है जिसके अंतर्गत आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और जलवाष्प दिखाई देंगे। ये सब जो गैसें हैं ये स्थिर गैसें हैं। कैसी गैसें, स्थिर, ये हमेशा बनी रहेंगी, उतनी ही मात्रा में बनी रहेंगी। पर ये जो जलवाष्प है ये परिवर्तनशील है। कैसी है, परिवर्तनशील है, अर्थात कभी ये 0%, 0.5% रहती है तो कभी 4 से 5% बन जाती है। तो इस गैस के कारण वायुमंडल में लगातार परिवर्तन होते हैं। तो वायुमंडल गैसों का एक मिश्रण है जो किस प्रकार का है, समांगी मिश्रण है। ये वायुमंडल का, इस समांगी मिश्रण का जलवायु पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और यदि हम जलवायु की परिभाषा बोले तो किसी निश्चित क्षेत्र के या कि दीर्घकालिक, याद रखिए दीर्घकालिक मौसमी दशा को, मौसमी दशा को क्या कहा जाता है, जलवायु। मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर मैं विश्व मौसम संगठन की बात कहूं तो किसी भी क्षेत्र के 31 वर्ष की मौसमी दशा को क्या कहा जाता है, जलवायु। मतलब
जलवायु बड़ा होता है और मौसम छोटा होता है। तो मौसम किसे कहते हैं? किसी निश्चित समय में वायुमंडल में जो लगातार परिवर्तन आते रहते उसे कहते हैं मौसम। मौसम समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे अभी आज सुबह उठोगे या शाम को उठोगे तो आप देखोगे कि बादल है, पर 7 बजे तक के बादल हट जाएंगे, मतलब मौसम बदल गया। तो किसी निश्चित क्षेत्र के अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को, किसी निश्चित क्षेत्र के अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को क्या कहा जाता है? मौसम। ये मौसम और जलवायु, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है मौसम के कारण, ये अच्छी बात है, परंतु वर्तमान में जलवायु में परिवर्तन मानवीय क्रियाकलापों के कारण भी हो रहा है। तो हमें इस बात पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि भैया मानवीय क्रियाकलाप कैसी है। तो भैया आप सभी को पता है लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो ऊष्मा बजट, जो पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, जैसे आप लोगों का घर का बजट होता है ना, उस प्रकार से पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, वो ऊष्मा बजट में विसंगति आ रही है। और उस ऊष्मा बजट में विसंगति आने के कारण ही हमें दिखाई दे रहा है जलवायु में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन हो तो कभी विनाशकारी घटना उतनी नहीं होती है, पर अगर जलवायु में परिवर्तन हो और जल्दी जल्दी हो तो उसके बाद में जंतुओं को, पेड़ पौधों को उस हिसाब से ढलने में समय लगता है, अगर नहीं ढल पाते तो वो अपने आप का विनाश कर बैठते हैं। तो हमें ये देखना है कि भैया जलवायु में परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो ऊष्मा बजट के कारण, ऊष्मा बजट में विसंगति आ रही है, और ऊष्मा बजट में विसंगति क्यों आ रही है? क्योंकि ऊष्मा जो है उसमें लगातार वृद्धि हो रही। इसका मतलब ये नहीं है, कई सारे बच्चे लगा लेंगे, कि जो सूरज है वो लगातार क्या कर रहा है, ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर क्या भेज रहा है? ऊष्मा भेज रहा है। नहीं बेटा, ये सूरज है और ये हमारी है पृथ्वी। सूरज और हमारी पृथ्वी के बीच में लगातार ऊष्मा आते हैं। ये ऊष्मा जो आती है उसे कहते हैं ऊष्मा का स्थानांतर, और इसकी कई सारी विधियां रहती है। एक रहती है विकिरण, एक रहती संवहन, एक रहती अभिवहन, और एक रहती है चालन। कितनी विधियां होती है? 4 प्रकार। जब निर्वात में, मतलब पृथ्वी और सूरज के बीच में जो क्षेत्र है वो अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष क्षेत्र कैसे? निर्वात, खाली। जब निर्वात में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उस समय में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? विकिरण विधि का उपयोग किया जाता है। तो पृथ्वी तक के सूरज की जो ऊष्मा आती है वो ऊष्मा किस विधि के माध्यम से आती है? विकिरण के माध्यम से आती है। और जब पृथ्वी गर्म होती है, कैसी होती है बेटा? गर्म होती है। तो गर्म हो जाने के बाद में जब ऊपर की ओर तरंगे निकलती है तो उस माध्यम से जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे कहता है संवहन। उसे क्या कहा जाता है? संवहन। और जब पृथ्वी गर्म होती है और गर्म हो जाने के बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान इस प्रकार से लहरों के माध्यम से ऐसे चलती है तो उसे कहता है अभिवहन। उसे क्या कहा जाता है? अभिवहन के माध्यम से ऊष्मा का क्या हो रहा है? स्थानांतरण। और जब संपर्क विधि के माध्यम से, किस विधि के माध्यम से? संपर्क विधि के माध्यम से जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसे कहा जाता है, उस विधि को कहते हैं चालन। तो मतलब पृथ्वी पर जो सूरज की ऊष्मा आती है, किरणें आती है, वो किस विकिरण, किस स्थानांतरण की कौन सी विधि के माध्यम से आता है? विकिरण विधि के माध्यम से। परंतु अन्य विधियां भी है, कौन सी? संवहन जो ऊपर की ओर आती है, अभिवहन जो क्षैतिज चलती है, और चालन मतलब संपर्क विधि के माध्यम से।
तो हमें ये विद्या पता चल गया, और विद्या पता चलने के साथ में हमें ये भी पता चल गया कि भैया पृथ्वी और सूरज के बीच में निर्वात है, और पृथ्वी और सूरज के बीच में निर्वात होने के कारण विकिरण के माध्यम से पृथ्वी को ऊष्मा की प्राप्ति होती है। किससे बेटा? सूरज से प्राप्त होती है। और पृथ्वी से जो सूरज पृथ्वी को जो सूरज से ऊष्मा की प्राप्ति होती है, ये ऊष्मा की प्राप्ति उससे मान के चलो 100% होती है, तो 100% हो जाने के बाद में इसको भी दो भागों में ऊष्मा प्राप्त होती है। एक रहती है सतही भाग और एक रहती वायुमंडलीय भाग। सतही भाग को अधिक ऊष्मा प्राप्त होती और वायुमंडलीय भाग को इसकी तुलना में कम, और इसीलिए जो सतही भाग रहता है वहां से ऊष्मा का हमेशा स्थानांतरण होता है। आपको सभी को पता है ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा वहीं पर होगा जहां पर ऊष्मा अधिक है, और उस क्षेत्र में होगा जहां ऊष्मा क्या है, कम है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण ऊष्मा अधिक क्षेत्र से ऊष्मा कम क्षेत्र में होगा। तो मतलब अगर सतह अधिक गर्म हो रही है तो स्वाभाविक रूप से उसका स्थानांतरण उस क्षेत्र की ओर होगा जहां पर ऊष्मा क्या है, कम। तो कम कहां पर है? वायुमंडल में। तो हमेशा ऊष्मा का स्थानांतरण ऊपर की ओर होते रहते, और ऊपर की ओर होकर लगातार पृथ्वी जितनी ऊष्मा प्राप्त करता है सूरज के माध्यम से, उतनी ही ऊष्मा को क्या करता है, वो वापस कर देता है। और इसी को कहा जाता है वापस करने की प्रक्रिया, इसी को कहता है एल्बिडो। क्या कहता है? एल्बिडो। याद रखिएगा, पृथ्वी के द्वारा किसी सतह के द्वारा प्राप्त ऊष्मा, कुल प्राप्त करने की ऊष्मा की क्षमता और परावर्तित की गई ऊष्मा के अनुपात को कहा जाता है एल्बिडो। ये पृथ्वी के एल्बिडो है जो लगभग लगभग 35% के करीब माना जाता है। तो क्या होता है, जब सूरज से पृथ्वी को ऊष्मा की प्राप्ति होती है तो सतह के द्वारा अधिक मात्रा में प्राप्त किए जाने के बाद में वायुमंडल तक के वो स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, जिसके कारण जितनी प्रतिशत मात्रा लगातार सूरज से प्राप्त होती है 100%, उतनी ही मात्रा में लगातार पृथ्वी के द्वारा उसका स्थानांतरण वायुमंडल से ऊपर कर दिया जाता है, अंतरिक्ष में पहुंचा दिया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी का जो औसत तापमान था वो हमेशा 6 सेल्सियस, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस बना रहता था। पर वर्तमान में औद्योगिकरण और अन्य मानवीय क्रियाकलाप के कारण लगातार जो गैसेस है, जो स्थायी गैसेस है, उनमें विसंगति आ रही, उनमें किन्हीं हानिकारक गैसों की मात्रा में लगातार वृद्धि होती जा रही है, और लगातार वृद्धि होने के कारण ही पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित उतनी ही की जा रही है बाहर जितनी वो प्राप्त कर रहा है, उससे ज्यादा वो कर नहीं पा रहा। इसके कारण कई सारी गैसें पृथ्वी पर ही रह जा रही है जो मानव के द्वारा निर्मित या मानव के द्वारा उत्सर्जित है, और इसके कारण पृथ्वी गर्म हो रही है, और पृथ्वी गर्म हो रही है तो इसी को क्या कहा गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी क्या कहा गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमें पता चला कि भैया सूरज से पृथ्वी को ऊष्मा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और ये जो ऊष्मा रहती है जितनी प्राप्त करता है उतनी वो वापस कर देता है, परंतु वर्तमान में वायुमंडलीय दशा के कारण, मानवीय क्रियाकलापों के कारण लगातार क्या हो रहा है, ऊष्मा की मात्रा में लगातार वृद्धि होती जा रही है जो मानव निर्मित है, जिसके कारण जो विसंगति हमें वायुमंडलीय दशाओं में दिखाई दे रही है, और ये वायुमंडलीय दशाओं में विसंगति के कारण ही हमें क्या दिखाई दे रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमें इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने की कोशिश करना चाहिए। यदि हम इस इफेक्ट को कम नहीं करेंगे तो भैया वर्तमान में जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है उससे भी तेजी से जलवायु में परिवर्तन होते रहेगा। तो जलवायु क्या है, तो हम देखते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अगला टॉपिक यहीं से निकल कर आता है कि भैया जलवायु प्रभावित हो रही है तो जलवायु क्या है। तो परिभाषा में हम देख चुके थे जलवायु, तो जलवायु क्या है, किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक, याद रखिएगा, दीर्घकालिक मौसमी दशा को क्या कहा जाता है, जलवायु।
इस जलवायु को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं। पहला कारक तापमान। पहला कारक कौन सा है बेटा? तापमान। मैं यही डायग्राम बनाते रहूंगा। ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी हो जाने के बाद में ये हमारी भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा उत्तर में और 23.5 डिग्री पर मकर रेखा दक्षिण में। ये हमारा सूरज है और ये सूरज है और लगातार सूरज की किरणें प्राप्त होते जा रही है किसे? पृथ्वी पृथ्वी को। तो पृथ्वी पर जो सूरज की किरणें प्राप्त हो रही है उसमें भूमध्य रेखा पर सबसे तेजी के साथ कम दूरी तय करने वाली किरणें पहुंच रही है और ध्रुवों पर जो पहुंच रही है वो तिरछी पहुंच रही है, जिसके कारण ध्रुवों पर पहुंचने वाली किरणों की जो तीव्रता है वो क्या है? कम। इसकी तुलना में भूमध्य रेखा पर पड़ने वाली किरणों की तीव्रता क्या है? अधिक। और यही कारण है कि आपको भूमध्य रेखा पर गर्म जलवायु दिखाई देंगी और ध्रुवीय क्षेत्र पर कम गर्म जलवायु या फिर ठंडी जलवायु दिखाई देगी। आया समझ? इसी के बाद आपको तापमान के साथ में अक्षांश का भी यही क्लियर दिखाई देगा और साथ में समकारी प्रभाव। प्रभाव ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? आप थोड़ा सा ये देखिए, ये पृथ्वी है। समकारी प्रभाव थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, केवल टॉपिक समझिए। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बाद में आपको ये पृथ्वी के बाद में मैंने ये स्थल बनाया और ये मैंने जल क्षेत्र बनाया। सूरज की सीधी किरणें पड़ रही है और सूरज की सीधी किरणें पड़ने के साथ में आपको ये दिखाई दे रहा है कि जल पर भी पड़ रही है और स्थल पर भी पड़ रही है। जब सूरज की सीधी किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पर आपको वाष्पीकरण दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? वाष्पीकरण। और जब वाष्पीकरण होंगे तो बादल बनेंगे। क्या बनेंगे? बादल। और जब बादल बनेंगे तो ये बादल का प्रभाव निकट जल के निकटी क्षेत्र पर भी रहेगा और जब निकट जल के क्षेत्र पर रहेगा तो सूरज की आने वाली किरणें जो आती है, जिसे हम शॉर्ट वेव रेडिएशन कहा जाता है, लघु तरंग कहा जाता है, ये लघु तरंग बादलों से टकराकर वापस चले जाएगा। मतलब स्थल के क्षेत्र का तापमान बढ़ेगा क्या? नहीं। तो वही रात को पृथ्वी के द्वारा क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है किरणों का। और जब उत्सर्जन किया जाता है रात को तो उसे कहते हैं लॉन्ग लॉन्ग वेव रेडिएशन। और ये लॉन्ग वेव रेडिएशन फिर क्या होते हैं? यहां से टकराते हैं और वापस आ जाते हैं। तो मतलब पूरे क्षेत्र में आपको तापमान में ना तो वृद्धि दिखाई देगी ना ही कमी। तो समकारी प्रभाव भी कभी कभार जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करता है। और यही कारण है कि जो जितने भी समुद्री क्षेत्र या बड़े सागरी क्षेत्र या फिर थोड़े से झील के पास जिनकी जिनका एरिया बहुत अधिक बड़ा होता है, वहां पर आपको समकारी प्रभाव दिखाई देगा। वहां पर स्थल और जल दोनों के क्षेत्र में तापमान और दिन और रात का तापमान हमेशा सेम जैसा दिखाई दे। पर जैसे जैसे आप स्थल की तुल जल से दूर जाते जाओगे तो बादल की जो सघनता रहेगी वो क्या होते जाएंगी? कम होते जाएंगी। जब बादल की सघनता कम होते जाएंगी तो शॉर्ट वेव रेडिएशन पृथ्वी पर आते रहेगा और लॉन्ग वेव रेडिएशन रात को पृथ्वी से बाहर जाते रहेगा। तो आपको स्थल की जल की तुलना में जब स्थल बहुत अधिक दूर रहते तो आपको रातें ठंडी दिखाई देंगी, परंतु जब आप समुद्र के पास रहेंगे तो रातें कैसी दिखाई देंगी? गर्म। और यही कारण है कि रेगिस्तान में बादल नहीं बनते हैं और बादल नहीं बनने के कारण दिन के समय में सूरज की किरणें सीधे पहुंचती, जिसके कारण गर्मी बहुत होती है। और रात के समय में जब बादल रहते नहीं तो लॉन्ग वेव रेडिएशन पृथ्वी के बाहर लगातार जाते रहते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? अब यहां तक के क्लियर हुआ है तो सेकंड पॉइंट फिर लिख लीजिए। समय देख ले हम, चलिए समय है। अब इसके बाद में एक और पॉइंट आता है, उसका नाम पवन। पवन और समुद्री जलधारा दोनों ही कभी कभार किसी क्षेत्र की जलवायु को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। तो हमने दो कारण देखे, एक तापमान देखा और दूसरा देखा समकारी प्रभाव। अब तीसरा देखते हैं पवन और एक देखते हैं जलधारा।
पवन और जलधारा क्या रहते हैं? पवन भी क्षैतिज चलता है और जलधारा भी क्षैतिज चलते हैं, पर पवन हवा के रूप में रहता है, प्रभाव होता है, और जलधारा का पानी के ऊपरी सतह पर लगातार पानी का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है। तो पवन जिस क्षेत्र में चलती है, अगर मान के चलो ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी हो जाने के बाद में ये भूमध्य रेखा है, तो स्वाभाविक रूप से पवनों का जो चलाव होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हाई प्रेशर कहाँ पर बनता है? जहां पर तापमान बहुत अधिक कम रहता है। और लो प्रेशर कहाँ पर बनता है? जहां तापमान बहुत अधिक ज्यादा होता है। तो पवन कहाँ पर चलेंगे? ऊपर से नीचे की ओर। और जब ऊपर से नीचे की ओर चलेंगी तो कौन सी हवा कहलाएंगी? वो हवा जो रहेंगी वो कहलाएंगी ठंडी। और जब ये ठंडी हवा कहलाएंगी तो स्वाभाविक रूप से ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगी तो मतलब जलवायु को कैसा कर देंगी? वो ठंडा। और जब ठंडा कर देंगे तो पवन भी कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण कारक है, जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कारक है। तो उसी के साथ में जब हम किसी स्थलीय क्षेत्र में जाते हैं और स्थलीय क्षेत्र में के किनारे पर अगर पानी का क्षेत्र है और पानी के क्षेत्र में आपको यहाँ पर ऊपर के क्षेत्र से ठंडी जलधारा का आगमन दिखाई देता है, तो ठंडी जलधारा के कारण उसका स्थल पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपको सभी को पता है ऊष्मा का क्या होता है, हमेशा स्थानांतरण। जब ठंडा पानी आता है तो स्वाभाविक रूप से उसके कारण लगातार स्थलीय क्षेत्र पर भी आपको उस पर ठंडी की मार दिखाई देती है, और ठंडी की मार दिखाई देने के कारण उस क्षेत्र में जो जलवायु हो जाती है वो भी कैसे हो जाती है? ठंडी। तो मतलब हमें ये बात क्लियर हो गई कि भैया ग्रीन हाउस इफेक्ट को हमें कम करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण जलवायु क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। और जलवायु परिवर्तित में प्रमुख कारण है तापमान में वृद्धि। हमने देखा तापमान अगर बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से लगातार जलवायु परिवर्तन होता रहेगा, तो हमने उसको कम करना चाहिए। पर जलवायु को प्रभावित करने वाला एकमात्र तापमान कारक है नहीं। तो हमने देखा कि तापमान के साथ में हमें ये भी दिखाई दिया कि समकारी प्रभाव भी कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करते हैं, और उसके साथ में हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। पवन भी कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करती है, जलधारा भी कहीं ना कहीं क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो साथ में अब एक प्रश्न लिख लीजिए कि रेगिस्तान के क्षेत्र में हमें दिन का समय अधिक तापमान और रात के समय में न्यूनतम तापमान क्यों दिखाई देता है? इसकी तुलना में तटीय क्षेत्र में हमें दिन और रात के समय में तापमान समान क्यों दिखाई देता है? ये प्रश्न आप लिखिएगा, बढ़िया लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको नया चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिएगा ताकि मेरा मनोबल लगातार बढ़ते रहे। धन्यवाद।